alaikum nazreen, aaj hum Quetta ke part 2 ke sath hazir hue hain aur is part 2 mein hum Quetta ka ek road trip karenge aur is road trip mein hi hum aapko Quetta ke kuch aham kamat ke bare mein batayenge. Hamara ye road trip Zarqun road se shuru hoga aur Zarqun road ke jis area se hum is road trip ko shuru karenge us area ko double road bhi kaha jata hai. तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ. नाज़रीन इस वक्त हम डबल रोड पर से गुजर रहे हैं और ये हमारे बाएं जानिब टोयोटा ज़रगुन मोटर्स का शोरूम है और ये डबल रोड है, एक तजारती इलाका है. ये यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के शॉप्स हैं, टायर शॉप्स भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे टायर और रिम्स मिलते हैं और इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर दस्तियाब हैं. यहाँ पर ये शेल का पेट्रोल पंप आपके बाईं जानिब आप देख सकते हैं. ये नादरा का ऑफिस है और इसके साथ ही यहाँ पर सुजुकी का शोरूम है, इंटरनेशनल मोटर्स का शोरूम है यहाँ पर. हमारे दाएं जानिब कैमरा आपको दिखा रहा है, ये सिविक सिटी कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ आगे लांगो प्लाज़ा है. ये दोनों रिहायशी इमारत हैं और इनके नीचे दुकानें हैं जहां पर गाड़ियों के पार्ट्स और टायर्स रिम्स वगैरह फरोख्त किए जाते हैं. और हम चल रहे हैं जी, आप देख सकते हैं कि हल्की ट्रैफिक है रोड पर. ये सामने अगर आप कैमरा आपको दिखा सके तो सामने जो है ये ओवरहेड ब्रिज है जो कि सरयाब फाटक को क्रॉस करता है और उल्टे हाथ की तरफ अगर हम लेके जाएं इसको तो आपको सरयाब फाटक की रेलवे क्रॉसिंग हमें उस तरफ दिखाई देगी. ये आप देख सकते हैं नाज़रीन. इस वक्त हम ज़रगुन रोड पर ही मेरे सफ़र हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ हिस्सा Quetta का आज दिखा सकें. हमारे दाएं जानिब ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये Quetta का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और सामने अगर आप देखें नाज़रीन तो आपको एक खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा होगा और हमारे बाएं जानिब ये एजी ऑफिस है. नाज़रीन ये एजी ऑफिस का रास्ता है और हमारे सामने इस वक्त इमदाद चौक है, हम इमदाद चौक से गुज़र रहे हैं. यहाँ पे जिना रोड ज़रगुन रोड से आकर मिलता है, ये इमदाद चौक है और इसके साथ बाएं जानिब अगर हम देखें तो ये रास्ता भी स्टेशन की तरफ जाता है और यहाँ पर रेलवे डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस है. राइट साइड पर कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये वो चर्च है, उसकी दीवार है जहाँ पर दिसंबर 2017 में इस पर चर्च पर अटैक हुआ था
थोड़ा सा आगे अगर हम चलें यहाँ से तो आपको तो हम दिखा सकेंगे, उल्टे हाथ पर अगर हम देखें तो हमें स्टेशन का एरिया दिखाई देता है, रेलवे स्टेशन का एरिया है जी ये हमारे पास। रेलवे का हॉकी ग्राउंड का एरिया आ चुका है और यहाँ सामने हमारे इस वक्त ट्रैफिक पर रुक गई है। क्वेटा में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी सड़कें शायद छोटी हैं और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि कुछ ट्रैफिक सेंस की भी कमी है। नज़ीर पुल है जी, साथ इसकी बैकग्राउंड पे अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो सेक्रेटरी वगैरह की है। नाजरीन इस वक्त हम वाइट रोड पर महव सफ़र हैं और यहाँ से हम दाएं जानिब मुड़ेंगे और फिर हम जाफर खान जमाली रोड पर चलते हुए क्वेटा के मशरक की जानिब चलेंगे। ये क्वेटा की एक अहम शाहरा है जिस पर टेलीफोन एक्सचेंज है और हमारे इंतहाई दाएं जानिब आप गवर्नर हाउस की दीवार को देख सकते हैं और बाएं हाथ पर अगर हम देखें तो ये PTCL के दफातर हैं जी यहाँ पर और इसके साथ आगे ये टेलीफोन एक्सचेंज है जी। यहाँ से हम बाएं जानिब मुड़ेंगे और GPO चौक की तरफ जाएंगे। ये हमारे सामने GPO चौक है और इस GPO चौक को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और GPO चौक क्रॉस करने के फौरन बाद दाएं जानिब अगर हम कैमरे हमें दिखा सके तो ये सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल है और इसके ऑपोजिट साइड पर उल्टे हाथ पर ये सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल है और हम अब सरीना चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। इंतहाई दाएं जानिब दरख्तों में से अगर हम देख सकें तो ये हाई कोर्ट की इमारत है
और इसकी मुखालिफ सिमत में यहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली है। ये हम सरीना चौक से गुजर रहे हैं, हमारे दाएं जानिब क्वेटा सरीना होटल है। और अब हम शुमाल की जानिब बढ़ते हुए आगे से सुमंगली रोड पर मुड़ेंगे, जहाँ से हमारा रुख क्वेटा के मगरिब की जानिब होगा। इस वक्त हम सुमंगली रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये कुछ दाएं बाएं जानिब, अगर आप देखें बाएं जानिब, ये आपको कुछ तजारती मरकज आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्लाईओवर 2017 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और ये क्वेटा शहर से बाहर निकलने के लिए इंतहाई कारामद है। इस पर नीचे सुमंगली रोड पर कोयला फाटक के पास ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव नहीं होता और ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए क्वेटा से बाहर निकल जाती हैं। से बाएं जानिब मुड़ते हुए हम क्वेटा से बाहर निकल जाएंगे। ये वो शाहरा है जो क्वेटा से चमन और चमन से होते हुए अफगानिस्तान तक चली जाती है। इसके अलावा यही सड़क हमें क्वेटा से कुचलाक लेकर जाती है, जहाँ से लोरलाई और जोक के लिए हमें रास्ता मिलता है। कुचलाक से ही हमें ज़ियारत का रास्ता भी मिल जाता है और फिर हम जोक से आगे डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद तक जा सकते हैं। किला से पुला से सड़क दाएं जानिब मुड़ जाती है लोरालाई के लिए और वहाँ से हम डेरा गाजी खान और मुल्तान से होते हुए लाहौर जा सकते हैं।